गाइस अपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा और सही सही देखा भी है, वो इसलिए क्योंकि अब 2020 में तो आईपीएल हो रहा है लेकिन 2021 में ऑक्शन नहीं होने वाला है। किन कारण से आईपीएल 2021 में ऑक्शन नहीं होने वाला है, जो कि मात्र 4 मंथ बाद ही स्टार्ट हो जाएगा आईपीएल 2020 के खत्म होते ही। क्या है रीजंस, क्या है बड़ी खबर, क्यों ऐसा हो रहा है, पूरी बात आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो का एंड तक देखिए। आईपीएल फैन होने के नाते अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। 2020 में आप किस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में अभी बता दे। और आईपीएल से इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। गाइस आईपीएल 2020 के लिए पूरा शेड्यूल कंफर्म कर दिया गया है, स्टार्टिंग डेट से लेकर फाइनल डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है। यूएई में होने वाला है, अच्छे तरीके से होने वाला है, डाउट ऑडियंस होने वाला है। और COVID-19 के चलते जिस प्रकार से आईपीएल 2020 इतना डिले हुआ है, अब देखते हैं जो आईपीएल अप्रैल में स्टार्ट होने वाला था वो अब स्टार्ट होने वाला है सितंबर में। तो पूरे 6 महीने डिले हुआ है आईपीएल 2020 और जिसके चलते 2021 के लिए इनके पास टाइम नहीं बचा है। तो ऐसे में बीसीसीआई ने आज सुबह ये कंफर्म कर दिया है 2021 में कोई भी ऑक्शन नहीं होने वाला है और जिस प्रकार से आईपीएल 2020 होगा उन्हीं प्लेयर्स के साथ आईपीएल 2021 भी कंडक्ट कराया जाएगा और जिसके लिए सभी फ्रेंचाइज ने मंजूरी भी दे दी है। 8ों ही फ्रेंचाइज बीसीसीआई के इस डिसीजन के साथ एग्री करती हैं। तो गाइज अब आपसे रहा ये सवाल कि 2021 तक किस प्रकार से कंडीशंस बनती हैं, क्या इंडिया में आईपीएल कंडक्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और जो मेन सवाल है सबसे बड़ा सवाल, किस प्रकार से आईपीएल 2021 के लिए ऑक्शन कराना चाहिए था या नहीं कराना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अपनी ओपिनियन जरूर से बताएं। आईपीएल 2020 से लगातार अपडेटेड रहना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें। धन्यवाद।